सिर्फ 3.5 महीने कोचिंग की, 9 एग्जाम दी, 9 में से 7 एग्जाम मेरे, आज तो मेरा वेट बहुत ज्यादा है बताऊंगी तो नहीं, पर उस टाइम मेरा 45 किलो वजन नहीं हुआ करता था, बहुत कमजोर थी मैं, बहुत शारीरिक दिक्कतें बहुत थी, फिर भी क्या है कि कभी पिलो लगाया यहाँ पे, कभी कुछ किया और पढ़ा करती थी। हेलो मेरी मेरी यूट्यूब फैमिली, फैमिली कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी जिंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, काफी दिनों से और काफी सारे वीडियोज पे आपके कमेंट्स आ रखे हैं कि हम भी बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, हमने बीएड कर रखी है तो बैंकिंग लाइन में कैसे जाएं, और काफी टाइम से बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा गाइड करो, थोड़ा मोटिवेट करो। तो जो भी मतलब थोड़े से तो रहता है ना कि जिनके मैं कमेंट की रिप्लाई कर पाऊँ तो वो तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, पर ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट होगी, फिर भी मैं मेरा जो एक्सपीरियंस था या मैंने कैसे तैयारी की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो मैं जो जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि हमने बीएड कर रखी है और बैंकिंग लाइन में कैसे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मैंने भी बीएड की हुई है, और ये मत भी बिल्कुल भी मत सोचो कि बीएड वाला बैंकिंग लाइन में कैसे जाए, ठीक है। सिर्फ आपने क्या है कि मैंने कहीं पे भी जहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो मेरा बीएड का जो सर्टिफिकेट था वो कहीं पे शो नहीं किया था, और मोस्टली ये होता है देखो कि बहुत सारी वैकेंसी निकलती है 10th बेस पे और प्लस 2 बेस पे, तो कौन वहाँ पे सारे अपने सर्टिफिकेट दिखाता है, कोई नहीं दिखाता, जितनी जरूरत होती है उतना ही दिखाना चाहिए। तो मैंने बीएड पे कहीं पे शो नहीं किया था, पर बीएड मैंने भी कर रखी है, और मेन तो वही रहता है कि सिलेबस रहता है, बैंक का सिलेबस थोड़ा अलग रहता है, बाकी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं देते हैं एसएससी का थोड़ा अलग रहता है, आरएस है, एसआई है, कॉन्स्टेबल है, उसका थोड़ा अलग रहता है। तो मैंने वैसे मोस्टली ज्यादातर तो क्या है कि राजस्थान में एग्जाम दिए थे, पर मैंने भी बहुत एग्जाम दिए हैं, कॉन्स्टेबल का तो कई बार ही मेरे क्लियर हुए हैं, और एसआई और आरएस भी दिए हैं, पर घर वालों का और ससुराल मायके भाई सबका ये फोकस था कि तू टीचिंग लाइन में ही जाएगी। तो मैं भी तैयारी कर रही थी, पर पता नहीं लक नहीं काम कर रहा था या बैंकिंग में आना लिखा था, तो उस वजह से क्या होता था कि टीचिंग लाइन में मैं पॉइंट्स में रह जाती थी बिल्कुल पास जाके, और बैंक में मैंने तैयारी की सिर्फ 3.5 महीने, सिर्फ 3.5 महीने कोचिंग की, 9 एग्जाम दी, 9 में से 7 एग्जाम मेरे क्लियर हुए, और उस टाइम क्या हुआ था एक एग्जाम हुआ करता था और इंटरव्यू, तो इंटरव्यू पता नहीं 5-6 मेरे क्लियर हो गए थे। रही बात तैयारी करने की, तो मेन तो ये है कि देखो मेहनत तो चाहिए होती है, और ये है कि मैंने 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड एग्जाम दिए थे, उधर मेरा नहीं हुआ, बहुत तैयारी की, बहुत कोचिंग की, और इधर सिर्फ 3.5 महीने में हो गया ना, तो मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा और लाइन से बैंकिंग लाइन है वो इजी है। और सबसे बड़ी बात बैंकिंग लाइन की ये रहता है कि पता रहता है कि इसमें सिलेबस क्या आना है। टीचिंग लाइन में या एसएससी साइड दूसरी साइड देखें तो ये है कि उसमें जीके का थोड़ा सा ना एरिया वास्ट रहता है, पता नहीं चलता, किसी के सामने कोई कागज ही आ गया, उसमें क्वेश्चन बन गया और उसने उठा के डाल दिया, तो वो डाल सकते हैं, जायज है। अच्छा, एक बार मेरी याद है मैंने प्री बीएड का एग्जाम दिया था, तो उस टाइम 5 या 6 क्वेश्चन फिल्मों पे पूछे गए थे, अब मेरे जैसी ने 5-6 फिल्में पूरी लाइफ में नहीं देखी तो वो कहाँ से आंसर आ जाएंगे। तो वो बात है, इधर देखो अगर आप तैयारी करते हो ना तो फिक्स रहता है मैथ में क्या आना है, रीजनिंग में क्या आना है, जीके कौन सा आएगा, सिर्फ करंट जीके आता है, बैंकिंग है एकदम जनरल सी बैंकिंग है वो ही आती है, और कंप्यूटर, कंप्यूटर है वो नॉर्मल है और आजकल लगभग सबको आता ही है, तो कंप्यूटर भी ज्यादा टफ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में मायने रखती है आपकी स्पीड। अगर आपको तैयारी करवाई जाती है कि 5 और 2 7 होते हैं तो उसमें हो सकता है 4 और 3 इतना पूछ ले, तो ये नहीं है कि कुछ अलग ही पूछ लिया, जो सिलेबस फिक्स रहता है ना वो ही पूछा जाता है। और थोड़ी सी क्या है कि उस टाइम तो किरण की बुक आती थी, और मैंने आपको कहीं पे मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊं वो बुक, कि मैंने कर करके फिर इरेजर से मिटो के टाइम दे के पूरे जिस तरह बैंक का एग्जाम देना है उसी तरह कर करके पूरा, मतलब इतनी तैयारी की थी, इतनी तैयारी कि जितना टाइम चाहिए उससे थोड़ा सा मैं कम लो। रही बात स्पेलिंग्स याद करनी होती है इंग्लिश में कुछ, तो वो तो भाई 5-10 डेली आपको रूल बनाना पड़ेगा कि इतनी हमें याद ही करनी है, और वो भी लगभग पुराने एग्जाम देखे ना तो फिक्स ही रहती है भी कौन सी आएगी, वो है हजारों में, लाखों में नहीं है, हजारों में आपने याद कर सकते हैं आराम से। तो बैंक की तैयारी मेरे को लगता है कि बड़ी ही ईजी है, बड़ी ईजी, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे को लगता है 3 या 4 महीने में आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, और एक बार एग्जाम क्लियर कर लिया ना तो आप कोई भी बैंक का एग्जाम हो आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वो तैयारी और मैटर है ना वो सेम ही रहता है। मेरी अच्छी तरह याद है कि जिस बैंक में मैं अभी हूँ, तो मैं मेरे मायके गई हुई थी और सिर्फ एग्जाम देने आई, एग्जाम देके मैं वापस चली गई, क्योंकि मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रही थी उस टाइम, तो एक दिन भी कह दो ना पड़ी है, क्योंकि मैंने 3-3.5 महीने तैयारी कर ली और पूरी रज के कर ली, पूरी रज के, उसके बाद मेरे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी कि बैंक में क्या आएगा,
थोड़ा बहुत जीके, कनट जीके भले ही पढ़ना पड़ता था, क्योंकि सारे बैंक्स में ऐसे नहीं था कि जीके आएगा, सारे बैंक्स में ऐसे नहीं था जीके नहीं आएगा, किसी में पूछ भी लेते थे किसी में नहीं, और कोई जीके ज्यादा इतना हार्ड नहीं होता था। तो उधर राजस्थान में तैयारी कर रही थी जीके, लगभग मेरा तैयार ही रहता था, इतनी मुश्किलें नहीं आई। और सिर्फ ये नहीं कि मेरा बहुतों का एग्जाम क्लियर होता था, बहुतों का और एक नहीं अनेक एग्जाम क्लियर होते थे। तो आप जो भी बैंक में आना चाहते हैं, बैंक की जॉब करना चाहते हैं, बैंक की तैयारी करना चाहते हैं ना, उनको यही कहूंगी कि आप मतलब भूल जाओ सब कुछ। सच में मैं बच्चों को, परिवार को, सबको भूल गई थी 3-3.5 महीने के लिए। और घर वालों को मैं आपको कभी माँ से बात करूंगी, इनको कभी नहीं पता होता था कि रात को मैं कब सोई हूँ और कब उठी हूँ, क्योंकि एक तो मेरी फ्रेंड थी, एक मैं, और एक हमारे पड़ोस में, तो ऊपर से मतलब उस टाइम क्या था, घर खुला ही था, तो वो पड़ोस में एक लड़का वो तैयारी करता था, तो डेली देखते थे कि अच्छा आज मैं इतने बजे सोई हूँ तो वो आधा घंटा लेट सोएगा, वो इतने बजे सोया तो मैं आधा घंटा, मतलब कंपटीशन करके ऐसे तैयारी करते थे। और वो लड़का भी आज चलो उस तो प्रमोशन ले लिया, ऑफिसर बन गया, मैं क्लरिकल में ही हूँ, पर सिलेक्शन उसका भी हो गया था। तो ऐसे करके थोड़ा खुद को मोटिवेट करके अपने तैयारी करेंगे ना, तो बैंक का एग्जाम तो मेरे को नहीं लगता कि कोई क्लियर नहीं कर सकता जो मेहनत करता है। कोचिंग करना चाहते हो तो बठिंडा में कोचिंग है, हालांकि थोड़ी सी कॉस्टली होगी है, महंगी होगी है, पर ठीक है, अगर सफलता है तो क्या है कि 1 महीने क्या 10 दिन की मार नहीं है अगर लग जाओगे तो कोचिंग भी कर लो तो बहुत हेल्प मिलेगी। और वैसे कोचिंग में मेरे आज भी याद है, जो भी हमें रूल बताए थे ना, वो किरण की बुक में सारे रूल वैसे के वैसे दिए हुए हैं। आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर सकते हो तो किरण की बुक में से कर लो, नहीं तो कोचिंग ऑनलाइन भी करवाते हैं, ऑफलाइन भी करवाते हैं, पर ऑनलाइन करो ना तो क्या है, घर से बाहर रह के फुल टाइम होता है आपके पास, और बाहर की दुनिया से सारे नाते तोड़ के और तैयारी करो तो ऐसी बात नहीं है सफलता नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। अदरवाइज बिना कोचिंग भी हमारे पिछले साल, मतलब अभी तो जो ऊपर रेंट पे हैं वो भैया ही है, बैंकर ही है, पर पिछले साल जो रहते थे वो बैंक में लगा हुआ नहीं था उनका बेटा, और वो घर पे लॉकडाउन में कहता मैं इतनी तैयारी की, मेरे चश्मा लग गया, पर उसका IBPS क्लरिकल और PO दोनों क्लियर हुआ और उसने PO ज्वाइन किया। तो अगर मेहनत करोगे ना तो ऐसी बात नहीं है कि आप PO नहीं लग सकते या बैंक में नहीं लग सकते, या BEd कर रखी है कोई बात नहीं, BEd कर रखी है तो भूल जाओ, कर ली तो कर ली, तो मैंने भी कर रखी है, मेरी BEd कोई काम नहीं आई। पर ये है कि BA बेस पे तो आपको पता ही है कि बैंक में आपसे सिलेक्शन हो सकता है, और सिर्फ ग्रेजुएशन ही चाहिए होती है। तो सच में आप कुछ करना चाहते हो तो बैंक का एग्जाम कोई टफ नहीं है। और मेरी अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी उससे मेरे को लगता है 11 महीने से पहले मेरी फर्स्ट सैलरी आ गई, तो कितना कम टाइम लगा है सोचो, कितना कम टाइम। और वजह सिर्फ एक ही थी कि मैंने बहुत पढ़ा करती थी सारी सारी रात, और अगर मन में कर लेते हैं ना तो चाहे कोई तकलीफ हो, नींद हो, कुछ नहीं, क्योंकि आज तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, बताऊंगी तो नहीं, पर उस टाइम मेरा 45 किलो वजन नहीं हुआ करता था, बहुत कमजोर थी मैं, बहुत शारीरिक दिक्कतें बहुत थी, फिर भी क्या है कि कभी पिलो लगाया यहाँ पे, कभी कुछ किया, और पढ़ा करती थी सारी सारी रात, और रिजल्ट है आज वो आपके सामने है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि अगर करना चाहते हो ना, मेहनत करना चाहते हो, तो बैंक का एग्जाम है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बैंक का एग्जाम है वो काफी इजी एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड मायने रखती है, और स्पीड है वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, बार बार प्रैक्टिस करो तो सफलता जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच।